सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज भी हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हम लोग डेली बेसिस में यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध की। तो बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है आनंद प्रभु कुटी विहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो देखिए, रतनपुर का नाम था रत्नावलीपुरी महाभारत के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, किस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवदान शतक, अवदान शतक नामक ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध जो है छत्तीसगढ़ में सिरपुर आए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो देखिए, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। तो देखिए, सातवाहन राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था, ये पता चलता है हमें किरारी के काष्ठ स्तंभ से। तो 1921 में किरारी ग्राम से एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था जिसमें सातवाहन काल की जानकारी होती है, और ये जो काष्ठ स्तंभ है अभी वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। तो ये काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था किरारी से, जिसमें सातवाहन काल के बारे में बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किसी स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, किरारी। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि किरारी के काष्ठ स्तंभ से हमें क्या जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश की। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोगी मारा शिलालेख में। तो देखिए, आप यहाँ पर सुतनुका नामक देवदासी का जो उल्लेख है वो जोगी मारा गुफा में स्थित जोगी मारा शिलालेख में हुआ है, जहां पर देवदत्त नामक नर्तक एवं सुतनुका नामक नर्तकी के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। तो सुतनुका और देवदत्त नामक नर्तक के यहाँ पर प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? देखिए, यहाँ पर बिलासपुर में मिले हैं कुषाण वंश के सिक्के छत्तीसगढ़ में। देखिए, इसके अलावा वर्तमान में कुषाण कालीन सिक्कों की जो प्राप्ति स्थल है वो है बिलासपुर, रायगढ़ रायगढ़ के तेलीकोट में और कोरबा, तीन जगह। तो यहाँ पर देखिए, रायगढ़ भी ऑप्शन में, लेकिन अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिलासपुर आंसर लेना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, दमाऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी, यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुंजीग्राम शक्ति। तो गुंजीग्राम शक्ति के नाम से जाना जाता है। गुंजी शिलालेख सातवाहन वंशियों से संबंधित है, जो कि एक राजा वरदत्त श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख में यह उल्लेखित किया गया है
कि वरदश्री द्वारा अपनी आयु वृद्धि करने के लिए ब्राह्मणों को 1,000 गाय दान में दी गई थी। तो देखिए, आयु वृद्धि के लिए वरदश्री ने दिया था 1,000 गाय दान में, और किसको दिया था? तो ब्राह्मणों को। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी क्वेश्चन से मिलते रहेगी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले की किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बालपुर से। तो सातवाहन कालीन मुद्राओं की प्राप्ति स्थल की बात करें हम लोग, तो मल्हार बिलासपुर से मिला है अपीलक की मुद्रा, फिर यहाँ पर बालपुर, जांजगीर चांपा और चकरबेड़ा बिलासपुर, जहां पर रोमकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ध्यान रखिए, इन जगहों से सातवाहन कालीन मुद्राओं की प्राप्ति होती है। इम्पोर्टेंट ये है कि बालपुर जो है वो आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर अपीलक एकमात्र मुद्रा प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। तो चकरबेड़ा, देखिए चकरबेड़ा बिलासपुर से रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोमकालीन के स्वर्ण सिक्के। याद रखिएगा, रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर के चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो देखिए, यहाँ पर प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, तो ये क्या है? सही है। सरगुजा क्षेत्र की सीता भेंगरा और जोगी मारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा सही है। बाकी अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, ये क्या है? सही नहीं है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। छत्तीसगढ़ के रामगढ़, जो कि आपके सरगुजा जिले में है, तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पर स्थित सीता बेंगरा गुफा में प्राचीनतम थिएटर के साक्ष्य मिले हैं, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन थिएटर के साक्ष्य रामगढ़ से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। महेंद्र नाम था समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का नाम। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए, कुरुषपाल शिलालेख में यहाँ पर आपके सोमेश्वर प्रथम, इनकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है। तो कुरुषपाल अभिलेख से चक्रकूट के चिंदक वंशी राजा सोमेश्वर देव प्रथम के राज्य सीमा क्षेत्र के बारे में पता चलता है, साथ ही यहाँ पर सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी मिलती है। तो ये जो है कुरुषपाल शिलालेख, तो इससे जानकारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो देखिए, रामगिरी जो है वो आपके सरगुजा जिले में है, तो रामगिरी पहाड़ी। तो देखिए, यहाँ पर कालिदास ने छत्तीसगढ़ में आगमन के पश्चात सरगुजा के रामगिरी, मतलब जो आपका रामगढ़ की पहाड़ी है, वहां पर मेघदूतम की रचना की थी, जो कि मूलतः संस्कृत भाषा में थी, जिसकी छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने की है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है
जो कालिदास है उनके द्वारा मेघदूत की जो रचना की गई है उसका जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो मुकुटधर पांडे ने। तो संस्कृत भाषा में किया था कालिदास ने मेघदूत की रचना। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्राचीन छत्तीसगढ़ से है। तो हम लोग डेली 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।